सोलन में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट कुल राकेश पंत ने की। उन्होंने भाजपा को आड़ा हाथों लिया और भाजपा को आरोपी और अपराधी छवि वालों की सहयोगी पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि जब वह नथुराम गोडसे के प्रति आदर की भावना रखते हैं तो साध्वी प्रज्ञा को टिकट देना तो उनके लिए बहुत अमूल्य कार्य है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जहां एक और नोटबंदी से लोगों को कतारों में लगाकर मरने पर मजबूर किया, वहीं जीएसटी लगाकर व्यापारियों को भी कहीं का नहीं छोड़ा था। उन्होंने कहा कि आज महंगाई शीर्ष पर है और आम आदमी का जीना बद से बदतर हो चला है। राकेश पंत ने कहा कि भाजपा केवल जुमले की पार्टी साबित हुई है, क्योंकि जो वायदे भाजपा सरकार ने भारत के मतदाताओं के साथ किए वे आज तक पूरे नहीं किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 5 सालों में भाजपा ने केवल झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर सभी वरिष्ठ नेताओं में तालमेल बिठाकर चुनावी जंग को जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि वह इन चुनावों में 4 सीटों पर विजय हासिल करेंगे। सोलन महिला पुलिस थाने में 2 महिलाओं ने 2 व्यक्तियों पर आरोप लगाया है कि उनके परिचित व्यक्ति ने उनसे पहले तो दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर काफी समय तक उनका शारीरिक शोषण किया और बाद में उनसे शादी करने से मना कर दिया, जिसके चलते महिलाओं ने एक व्यक्ति जो एसएसबी यूपी में सेवाएं दे रहा है और दूसरा सोलन में निजी बैंक में कार्यरत है, उनके खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं सोलन में निजी बैंक में कार्यरत व्यक्ति फरार है और उसका फोन भी बंद बताया जा रहा है, जबकि दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने सूचना भेज दी है और उसे सोलन बुलाया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि 2 अलग-अलग महिलाओं ने महिला थाना सोलन में 2 व्यक्तियों के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने फिलहाल 2 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। घुमारवीं क्षेत्र में उस समय बस स्टैंड पर सब हैरत में पड़ गए जब एक औरत ने बस स्टैंड पर सुबह सुबह लगभग 9 बजे के करीब चालक व परिचालक को थप्पड़ जड़ दिए। मौके पर बस स्टैंड पर लोगों का हजूम उमड़ पड़ा। महिला चालक सीट पर बैठ गई। ये हाई प्रोफाइल ड्रामा लगभग 1.5 घंटे तक चला और बस निर्धारित रूट पर नहीं जा सकी। बस के मालिक ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस ने आकर बस से महिला को उतारा और बाद में दोनों पार्टियों में थाना में समझौता हो गया। ये मामला क्या था? हमारे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि 2 दिनों पहले ये निजी बसों के चालक अपनी समय सारणी के लिए बिलासपुर बस स्टैंड पर कहासुनी हो गई थी। जब इस बात का पता एक चालक की पत्नी को चला जिसके साथ कहासुनी हुई थी, तो वह सुबह सुबह 8 बजे बस स्टैंड पर अकेली ही आ पहुंची। जब बस अपने निर्धारित रूट से घुमार में पहुंची तो बिना मौका गवाए महिला ने ताबड़तोड़ थपेड़ों की बरसात। चालक व परिचालक पर कर दी। महिला की दबंगई की शहर में दिन भर चर्चा होती रही। महिला घुमारवी विधानसभा क्षेत्र की ही है। डीएसपी राजेंद्र कुमार जसवाल ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि लड़ाई झगड़े का मामला थाना में आया था, जिस पर आपस में दोनों पार्टियों का समझौता हो गया है।